नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल राहुल सावरना जीएस पर। आज फिजिक्स का एक बेहतर सा टॉपिक जिसमें बच्चे कंफ्यूज भी करते हैं और क्वेश्चन भी एग्जाम में ज्यादा पूछा जाता है, इस टॉपिक को लेकर आपके सामने आए हैं। और वो टॉपिक है निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष। काफी कंफ्यूजन बच्चों के बीच है कि निकट दृष्टि दोष क्या है और दूर दृष्टि दोष क्या है, क्योंकि ये वर्ड जो लिखा हुआ है इसके अपोजिट दोष होता है। लोग ये समझते हैं कि निकट दृष्टि दोष है तो इसका मतलब कि निकट की वस्तु दिखाई नहीं देता होगा, और दूर दृष्टि दोष है तो दूर की वस्तु दिखाई नहीं देता होगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है बाबू, एकदम आराम से अभी 5 मिनट मेरे साथ रहिए, हम आपको बताएंगे कि इसमें कैसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है और उसका सोल्यूशन कितना इजी में हम लोग सोच कर निकाल लेते हैं। और कभी भी आपके जीवन में आज के बाद इस टॉपिक का कंफ्यूजन नहीं होगा। और इसको दूर करने के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है, हमेशा ही कंफ्यूजन है कि निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए कौन लेंस लेंगे और दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए कौन लेंस लेंगे, और नेत्र में कौन लेंस लगा रहता है। हम लोग का आंख जो है, ये आंख में कौन लेंस लगा रहता है, एकरो बहुत लोगों को पता नहीं है। और जब परीक्षा में पूछता है, कहता है भाई आंख में लेंस कहां लगा रहता है, वो तब बिना लेंसे का पिक्चर बनेगा, बिना लेंसे का फोटो बनेगा, रेटना पर जो इमेज बनता है बिना लेंस का तो नहीं बनता है। तो इन सारे मुद्दे पर चर्चा अभी करेंगे और अगले 5 मिनट में हर कुछ आपको याद हो जाएगा, तो बने रहेंगे मेरे साथ। देखिए बाबू, निकट दृष्टि दोष जो है, निकट दृष्टि दोष का मतलब होता है आंख का वह दोष जिसमें व्यक्ति को निकट की वस्तु अस्पष्ट दिखाई देती है लेकिन दूर की वस्तु अस्पष्ट दिखाई नहीं देती है, तो इस दोष को क्या बोलेंगे, निकट दृष्टि दोष। यानी निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तु अस्पष्ट दिखाई देती है लेकिन दूर की वस्तु अस्पष्ट दिखाई नहीं देती है। और दूर दृष्टि दोष में क्या होता है कि दूर की वस्तु अस्पष्ट दिखाई देती है लेकिन निकट की वस्तु अस्पष्ट दिखाई नहीं देती है, तब कौन दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष। तो गौर करना, निकट दृष्टि दोष में क्या हुआ कि निकट की वस्तु दिखा, इसमें निकट की वस्तु क्या हो गया, दिखाई पड़ा, निकट की वस्तु दिखाई पड़ गया, निकट की वस्तु दिखाई पड़ा। और दूर दृष्टि दोष में क्या हो गया, दूर की वस्तु दिखाई दिया, दूर की वस्तु दिखाई दिया। क्लियर हो गया कि निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है और दूर की वस्तु दिखाई नहीं देती है। और दूर दृष्टि दोष में क्या है कि दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है लेकिन निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। अब है कि सर ये दोष में होता क्या है, तो गौर करना बाबू कि जब निकट दृष्टि दोष होता है तो निकट दृष्टि दोष में क्या होता है, आंख का लेंस जो है, और ध्यान रखिएगा कि मानव का आंख जो है, मानव के आंख में कौन सा लेंस लगा रहता है, तो याद रखना बाबू मानव के आंख में उत्तल लेंस लगा रहता है। कौन सा लेंस बाबू, तो इस तरह का लेंस जो होता है इसी को हम लोग उत्तल लेंस बोलते हैं। अभी यहां पर आप ये लेंस देख रहे होंगे, सभी लोगों को दिखाई पड़ रहा होगा, अभी जो आप ये लेंस देख रहे होंगे यही उत्तल लेंस है। तो मानव के आंख में कौन लेंस लगा रहता है, तो मानव के आंख में उत्तल लेंस लगा रहता है। तो अब देखिए, मानव के आंख के द्वारा जब किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता कहां है, रेटिना पर। मानव आंख के द्वारा किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब कहां बनेगा, तो मानव आंख किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर बनाती है। कभी कभी डायरेक्ट सवाल पूछेगा कि मानव आंख में कौन सा लेंस रहता है, तो उत्तल लेंस। और मानव आंख के द्वारा प्रतिबिंब कहां बनता है, तो रेटिना पर। मानव लेंस के द्वारा प्रतिबिंब कहां बनती है, तो रेटिना पर। तो अब कभी कभी क्या होता है कि नेत्र लेंस के द्वारा रेटिना जहां इमेज बनना चाहिए, जहां प्रतिबिंब बनना चाहिए, वहां नहीं बनके उससे पहले ही बन जाता है। जैसा कि यहां पर आप देख रहे हैं, इमेज कहां बन गया, तो रेटिना से पहले बन गया। तो इस दोष को क्या बोलेंगे, तो इस दोष को कहा जाता है निकट दृष्टि दोष। यानी किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर नहीं बनके रेटिना से पहले बन जाता है, तो यानी नजदीक बन जाता है, लेंस के नजदीक प्रतिबिंब बन जाएगा, निकट बन जाएगा, तो उस दोष को क्या बोलेंगे, निकट दृष्टि दोष बोलेंगे। और रेटिना से दूर यदि प्रतिबिंब बनेगा, देखिए इमेज जो है, इमेज कहां बना है, रेटिना के पीछे,
रेटिना से पहले बनेगा तो निकट दृष्टि दोष और रेटिना के पीछे बनेगा तो दूर दृष्टि दोष। नेत्र लेंस में कौन लेंस? उत्तल लेंस। क्लियर हुआ कि मानव के आंख में कौन लेंस लगा रहता है? उत्तल लेंस लगा रहता है। प्रतिबिंब कहां बनता है? रेटिना पर बनता है। कैसा बनता है? तो उल्टा और वास्तविक बनता है। हम लोगों के आंख में जो प्रतिबिंब बनता है वो रेटिना पर बनता है, वास्तविक और उल्टा बनता है। कैसा प्रतिबिंब? वास्तविक उल्टा और छोटा, वास्तविक उल्टा और छोटा प्रतिबिंब बनता है। जब रेटिना से पहले प्रतिबिंब बनेगा तो कौन सा दोष होगा? निकट दृष्टि दोष होगा। और रेटिना के पीछे बनेगा तो दूर दृष्टि दोष होगा। याद हो गया ना? अब सवाल यह है कि सर निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष को दूर कैसे किया जाता है? तो देखिए अभी तुरंत आपको याद हो जाएगा, अभी तुरंत आपको याद होगा। अच्छा देखो बाबू, ये निकट शब्द लिखे हैं और ये क्या लिखे हैं? ये दूर शब्द लिखे हैं। तो निकट और दूर लिखने में सबसे छोटा शब्द कौन है और बड़ा शब्द कौन है? तो आप कहेंगे कि निकट सर बड़ा लिखा हुआ है और दूर क्या है? छोटा लिखा हुआ है। यानी दूर में कम लेटर यूज हुआ है और निकट में ज्यादा लेटर यूज हुआ है। यही ना बाबू कि निकट जो है ये थोड़ा बड़ा लिखा हुआ है और दूर तनी छोटा लिखा हुआ है। इसलिए याद रखिएगा कि आपका अवतल जो है ये तनी बड़ा लिखा होता है और उत्तल तनी क्या होता है? छोटा। लिखावट में अवतल तनी बड़ा और उत्तल तनी छोटा, और लिखावट में निकट तनी बड़ा और दूर तनी छोटा। इसलिए याद रखना निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए कौन से लेंस का प्रयोग? तो अवतल लेंस का प्रयोग, और दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किसका प्रयोग? तो उत्तल का प्रयोग। अब इसमें इतना बच्चे कंफ्यूज करते हैं, निकट वाला में उत्तल मार देगा, दूर वाला में अवतल मार देगा, कबो कुछ कबो कुछ कबो कुछ। बजरंगबली नाम से सोचता जय बजरंगबली कोनो सही हो जाए, लेकिन मामला जाता एग्जाम हॉल में गड़बड़ा। लेकिन आज के बाद जीवन में कभी भी आप नहीं भूलिएगा। यदि आप ही पूरे वीडियो को देखे होंगे तो दृष्टि दोष से जो सवाल पूछेगा कभी नहीं भूलिएगा। फिर एक बार हम चर्चा कर लेते हैं, निकट और दूर में बड़ा कौन लिखल है? निकट। और छोटा कौन लिखल है? दूर। तो निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए कौन लेंस? अवतल लेंस। कौन लेंस बाबू रे? अवतल लेंस। यानी ये निकट दृष्टि दोष है, इसको दूर करने के लिए कौन सा लेंस प्रयोग करेंगे? तो इसके लिए अवतल लेंस प्रयोग करेंगे और दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस प्रयोग करेंगे। निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल और दूर दृष्टि दोष के लिए उत्तल, क्योंकि दूर तनी छोटगर लिखल है तो उत्तल तनी छोटगर है, और निकट तनी बरगर है तो अवतल तनी बरगर है। इस साइंस का कॉन्सेप्ट नहीं है बाबू, यह एक जुगाड़ है, यह सावरना कॉन्सेप्ट है। कौन कॉन्सेप्ट बाबू? इट इज ए सावरना कॉन्सेप्ट। कहता है कि निकट तनी बर लिखल है तो तनी बरका लेंस, और दूर तनी छोटगर लिखल है तनी छोटका लेंस। तो निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल और दूर दृष्टि दोष के लिए उत्तल। निकट दृष्टि दोष क्या है? तो निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई देगा और दूर का दिखाई नहीं देगा। और दूर वाला में क्या होगा कि दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देगा और निकट वाला नहीं दिखाई देगा। मानव के आंख में कौन लेंस लगा रहता है? तो मानव के आंख की बात करेगा कि मानव के आंख में कौन लेंस रहता है? तो यदि आंख की बात करेगा तो आंख में उत्तल लेंस लगा रहता है। किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहां बनता है? तो रेटिना पर बनता है। प्रतिबिंब कैसा बनता है? वास्तविक उल्टा छोटा, वास्तविक उल्टा छोटा। कहां बनेगा? रेटिना पर बनेगा। और स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी कभी कभी पूछता है बाबू कि किसी व्यक्ति के स्पष्ट दर्शन के यानी साफ साफ देखने के लिए न्यूनतम दूरी कितना होता है? तो याद रखना बउआ 25 सेंटीमीटर। स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी कितना? 25 सेंटीमीटर। क्या सेंटीमीटर? 25 सेंटीमीटर। और कभी कभी आप सुने होंगे बाबू कि कोई व्यक्ति अपने आंख को दान कर देता है, यानी अपना आंख किसी को दे देता है। तो यदि कोई व्यक्ति अपने आंख किसी को दे देता है तो आंख का कौन भाग देता है? परीक्षा में पूछता है। ऑप्शन में रेटिना रहेगा, कॉर्निया रहेगा, लेंस रहेगा, या फिर ये दृष्टि पटल रहेगा, या अन्य कुछ भी रहेगा। तो बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं, रेटिना मारे कि कॉर्निया मारे कि क्या कहते हैं लेंस मारे कि सिलियरी मांसपेशी मारे, कौन मारे नहीं मारे, कंफ्यूज होता है। लेकिन आज के बाद नहीं कंफ्यूज होना। याद रखिएगा जब कोई व्यक्ति
अपना आंख दान करता है तो वह कॉर्निया दान करता है। क्या दान करता है? आंख के साइड में जो कॉर्निया रहता है वो कॉर्निया दान किया जाता है। तो क्वेश्चन एग्जाम में पूछेगा कि मानव के आंख में कौन सा लेंस रहता है? उत्तल लेंस रहता है। स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी क्या सेंटीमीटर? 25 सेंटीमीटर। नेत्रदान में क्या दिया जाता है? कॉर्निया दिया जाता है। निकट दृष्टि दोष को किससे दूर किया जाता है? अवतल से दूर किया जाता है। और दूर दृष्टि दोष को किससे दूर किया जाता है? उत्तल से दूर किया जाता है। कंफ्यूजन दूर हो गया? पक्का ना? यदि 100% आपको याद हो गया होगा तो ए मेरे दोस्त मेरे वीडियो को शेयर जरूर कर देना, लाइक और कॉमेंट जरूर करना। थैंक यू वेरी मच। फिर मिलते हैं अगले क्लास में इसी जोश और जुनून के साथ। धन्यवाद।